Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khaled Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 10th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 12.6 of unit number 12. Unit number 12 is geometrical optics. Let us see the statement of example number 12.6. अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर हमारे पास एक कन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेसड यानी हम ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने फासले पे प्लेस करें यानी हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है सो देट इट फॉर्म्स एन इमेज एट टेन सेंटीमीटर फ्राम द लेंस तो इस तरह से कि उसका जो इमेज बने वो लेंस से 10 सेंटीमीटर के फासले पर हो यानी क्यू जो है हमें दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर पी हमने मालूम करना है और कन्केव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हमें बता दी गई है आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस और लेंस की मैग्नीफिकेशन भी मालूम करनी है हमने तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को डाटा है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज इक्वल टू एफ रखेंगे इसको और ये 15 सेंटीमीटर बताई गई थी तो इसको माइनस पंद्रह सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि कनकेव लेंस जो है उसका प्रिंसिपल फोकस होता, होता है वो इमेजनरी होता है वर्चुअल होता है तो इसलिए उसका डिस्टेंस जो होगा यानी फोकल लेंथ जो होगी वो भी अमेजनरी होगी इसलिए उसको नेगेटिव रखा जाएगा तो अमेजनरी डिस्टेंस जो है वर्चुअल डिस्टेंसेस जो है वो नेगेटिव होते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कनकेव लेंस हमें इमेज का डिस्टेंस बताया गया था क्यू क्योंकि एक कन्केव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है इमेजनरी इमेज बनाता है तो इसलिए इसमें क्यू भी नेगेटिव होता है क्योंकि इमेज वर्चुअल है तो इसलिए उसका डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा इसको भी हम माइनस टेन सेंटीमीटर रखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्केव लेंस तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है उसको पी रखते हैं ये हमने मालूम करना है और दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो है मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस मैग्नीफिकेशन को एम लिखते हैं ये हमने मालूम करना है मैगनीफिकेसन तो हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और लेंस फार्मूला क्या होता है वन ओवर एफ इजिकल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू एफ क्या है इसमें फोकल लेंथ है पी क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस है और क्यू क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस है तो हमें एफ़ दिया गया है और क्यू दिया गया है हमने पी मालूम करना है तो इसलिए वन ओवर पी को एक तरफ रखते हैं वन ओवर क्यू को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इधर पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा यानी वन ओवर एफ माइनस वन ओवर क्यू इज ईक्ल टू वन ओवर पी आ जाएगा हमारे पास तो वन ओवर पी इज ल टू वन ओवर एफ माइनस वन ओवर क्यू आ गया हम वैल्यूज पुट कर देते हैं वन ओवर एफ़ की वैल्यू माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया वन ओवर क्यू की वैल्यू माइनस टेन सेंटीमीटर तो ये माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा इस पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिख लेते हैं इस नेगेटिव टर्म को हम बाद में लिख लेते हैं तो ये वन ओवर टेन सेंटीमीटर माइनस वन ओवर फिफ्टीन सेंटीमीटर आ गया अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं टेन सेंटीमीटर इंटू फिफ्टीन सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा फिफ्टीन सेंटीमीटर बाकी बचेगा फिफ्टीन सेंटीमीटर वन से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन आएगा दरमियान में 15 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे एल को 15 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आएगा 10 सेंटीमीटर वन के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा तो ये 15 सेंटीमीटर माइनस टेन सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर हो जाएंगे एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा वन ओवर पी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर ओवर टेन सेंटीमीटर इंटू फिफ्टीन सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर कैंसिल हो गया फाइव ओवर टेन इंटू फिफ्टीन सेंटीमीटर आ गया फाइव ऊपर है हमारे पास और नीचे है टेन इंटू फिफ्टीन तो टेन इंटू फिफ्टीन वन फिफ्टी बन जाएगा अब हमारे पास वन ओवर पी आया है फाइव ओवर वन फिफ्टी सेंटीमीटर हमने क्योंकि पी मालूम करना है तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी इसको उल्टा देंगे पी ओवर वन बनेगा तो वो पी रह जाएगा इसको भी उल्टा देंगे 150 सेंटीमीटर ओवर पी बनेगा ओवर फाइव बनेगा तो फाइव से 150 को डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा तो पी इज इक्ल टू थर्टी सेंटीमीटर इसका मतलब ये हुआ कि हम 30 सेंटीमीटर के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फिर हमारे पास इमेज उस जगह पे बनेगा जिस जगह पे हमें बताया गया है दस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ थर्टी सेंटीमीटर हमें थर्टी सेंटीमीटर पर प्लेस करना पड़ेगा उसको नो टू फाइंड मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है मैगनीफिकेशन होती है कि इमेज का साइज कितना है डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना द रेशो बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर मैगनीफिकेशन बराबर होती है क्यू ओवर पी यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे जब हम मैग्नीफिकेशन मालूम करते हैं तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं बग़ैर नेगेटिव साइन के क्यू की वैल्यू लगाएंगे और वो कितनी है टेन सेंटीमीटर है और पी की वैल्यू कितनी है वो थर्टी सेंटीमीटर है सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा टेन ओवर थर्टी ये वन ओवर थ्री बन देगा इसका मतलब मैग्नीफिकेशन वन ओवर थ्री हुई यानी वन ओवर थ्री का मतलब ये कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका तीसरा हिस्सा जो है वो इमेज बनेगा यानी वन थर्ड साइज होगा इमेज का दस द इमेज इज़ रिड्यूस टू वन थर्ड इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के साइज़ से इमेज का साइज़ जो है वो वन थर्ड रिड्यूस हो जाएगा तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उम्मीद है आपको समझ आई होगी खुद भी इसको देखें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको के एम सी एच फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से इस तरह की मजीद वीडियोज़ मिलती रहें अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ शाद रहें आबाद रहें